दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साई कपूर। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख ही लिया होगा कि आज किस वीडियो में हम बैटल करवाएंगे बेन टेनिसन यानी कि बेन 10 वर्सेस अपने इंडियन सुपर्स के बीच में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आप सभी को कि देखो यहाँ पर मैं बेन 10 का जो सबसे पुराना वाला वर्जन है एंड बेन 10 एलियन फोर्स वाला वर्जन है एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स वाला जो वर्जन है प्लस बेन 10 ओमनीवर्स वाला जो वर्जन है उन सभी पे मतलब जितने भी एलियन हमें देखने को मिले हैं उन सभी के वर्सेस में हम बैटल करवाएंगे इंडियन सुपर हीरोज की। यस भाई आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो वीडियो में एंड तक तो ज़रूर ही बने रहना। एंड देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि आप लोग अभी से अपनी एक टीम को चूज कर लो यानी कि आप किस टीम में हो बेन 10 या फिर इंडियन सुपर हीरोज की। देखो यार ऐसा करने में मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा मतलब अभी अगर आप अपनी एक टीम सिलेक्ट कर लोगे तो लास्ट में जब इस वीडियो का एंड होगा एंड आपको पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो इसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा आप सभी को। तो इसलिए आप अभी अपनी टीम चूज कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन आई बी योर सुपर हीरो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप सभी लोग मतलब वीडियो लास्ट तक देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो यार क्या जाएगा। तो चलो यार अब शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से। तो फर्स्ट बैटल में हम लेने वाले हैं रोबोट एंड जीवन को। ठीक है इन दोनों को हम साथ में लेंगे। तो जो रोबोट एंड जीवन है अगर इन दोनों को बीट करना चाहे बेन 10 तो उसके पास कई सारे एलियंस आते हैं जैसे कि फीडबैक अपग्रेड जूरी रिग जैसे एलियंस। अब देखो जो रोबोट है उसको तो यार जो जूरी रिग है एंड जो फीडबैक है वो आसानी से निपटा देंगे। जो फीडबैक है वो उसके अंदर से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से जो रोबोट है वो एकदम से ही उसकी बैटरी लो हो जाएगी जिसकी वजह से वो कुछ आगे कर नहीं पाएगा। एंड वहीं जो जूरी रिग है तो भाई जूरी रिग को अगर कोई बंदा नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बेन 10 का एलियन है वो मैकेनिकल चीज़ों को तोड़ने में उनको तोड़ फोड़ कर उनका भंगार बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो यार ये रोबोट को तोड़ फोड़ के उसका भंगार बना देगा। एंड अब जो जीवन है उसको भी जो अपग्रेड है एंड फीडबैक है वो आसानी से संभाल लेगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीवन है उसको मार तो नहीं सकते आप सभी को पता है कि उसको मारा जा ही नहीं सकता बट जो फीडबैक है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है यानी कि जो जीवन है वो बना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एंड उसकी पावर सोर्स भी वही है उसको इलेक्ट्रॉनिक से पावर मिलती है। सो जो उसकी पावर्स का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है एंड उसकी पावर्स के सोर्स को जब फीडबैक एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो जीवन है उसका पावर का सोर्स खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी बैटरी भी एक तरह से लो हो जाएगी एंड वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा एंड इस बैटल में वो भी हार जाएगा क्योंकि यार जो रोबोट एंड जीवन है ये दोनों की एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है रोबोट्स है रोबोट है ह्यूमन नहीं है एंड इसी वजह से इनको बैटल के दौरान एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत होती है बट अगर इन दोनों से अगर वो एनर्जी सोर्स से छीन लिया जाएगा तो ये दोनों किसी काम के नहीं है मतलब बैटल में किसी काम का नहीं है। वैसे पावरफुल काफी ज्यादा है बट बिना एनर्जी सोर्स के ये हार जाएंगे बेन टेनिसन से। नाउ अब बढ़ते हैं दूसरी बैटल की ओर यानी कि अपनी सेकंड बैटल जिसमें हम लेने जा रहे हैं क्रिश को। यस भाई क्रिश अगर बेन 10 के सामने क्रिश आ जाता है तो यार देखो जो बेन 10 है उसके पास कई सारे एलियंस है लाइक फोराम्स की मदद से वो क्रिश को इजीली नॉकआउट कर सकता है स्ट्रेंथ के बेसिस पर। देखो यार स्ट्रेंथ के मामले में अगर हम देखें तो फोराम्स आसानी से क्रिश को बीट कर जाएगा बट स्पीड में वो ज़्यादा उतना फास्ट भी नहीं है क्योंकि जो फोराम्स है वो टेट्रामैन स्पीशीज का है एंड वो इतने भी ज़्यादा फास्ट नहीं होते हालांकि फास्ट काफ़ी होते हैं बट क्रिश जितना नहीं है वो। तो मे बी यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस अगर आपको लग रहे हैं कि भाई क्रिश जीत जाएगा तो देखो बेन 10 के पास सिर्फ फोराम्स ही एक एलियन नहीं है उसके पास कैनन बोल्ट भी है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड अल्टीमेट कैरम बोल्ट भी है कैनन बोल्ट। ठीक है बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कैनन बोल्ट भी एंड अल्टीमेट कैनन बोल्ट भी बीट नहीं कर पाएगा क्रिश को तो देखो यार यहाँ पर डायमंड हेड भी है जो कि विलकैक्स को हरा चुका है बेन 10 एलियन फोर्स में एंड विलकैक्स वही है जो बेन 10 का सबसे मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल विलन है एंड साथ ही में विलकैक्स ने 10 दुनियाओं पर अपना राज किया है वहाँ को जीता है 10 दुनियाओं को एंड उन 10 दुनियाओं के सुपरहीरोज की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है।
तो भाई क्रिश क्या है उसके सामने, एंड उसको भी डायमंड हैंड ने बीट कर दिया था। तो यार यहाँ पर तो क्रिश खत्म ही हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिश का पेन है उसकी मदद से वो जीत जाएगा, तो यहाँ देखो भाई जो क्रोमास्टोन है इस बैटल में वो क्रोमास्टोन का यूज भी कर सकता है। एंड क्रोमास्टोन एक ऐसा एलियन है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड जो क्रिश का पेन है अगर उसने अपने पेन की मदद से भी बेंटन के किसी भी एलियन को हराने की कोशिश की तो भाई यहाँ पर बेंटन क्रोमास्टोन में एकदम बदल जाएगा एंड उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्रिश को बीट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर भी बेंटन सही बाजी मार जाता है एंड वो जीत जाता है इस बैटल को। नाउ अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट बैटल की ओर जो कि हमारी थर्ड बैटल है बाय द वे, एंड इस बैटल में हम कंसीडर करने वाले हैं भावेश जोशी एंड फ्लाइंग जेट को। तो यार देखो जो भावेश जोशी है अगर वो जाएगा बेंटन के सामने उससे भिड़ने, तो यार देखो बेंटन के पास कई सारी एलियंस है लाइक एक्सला 8, वो आसानी से भावेश जोशी को नॉकडाउन कर जाएगा जो XLR8 है, क्योंकि यार भावेश जोशी एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, उसके पास कोई ज्यादा सुपर पावर नहीं है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्लाइंग जेट की, तो यार देखो फ्लाइंग जेट के पास कई सारी सुपर पावर्स है, बट फ्लाइंग जेट के ऑपोजिट में वो हीट ब्लास्ट को यूज कर सकता है बेंटन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि जो फ्लाइंग जेट है वो अपनी स्पीड की मदद पर अपनी स्पीड के बेसिस पर हीट ब्लास्ट की हीट को भी डॉच कर जाएगा, तो भाई देखो ऐसा होगा नहीं, बट चलो आपका डाउट है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर वो रात का यूज़ कर सकता है। अब देखो रात तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देगा फ्लाइंग जेट को, अब अगर रात भी नहीं चाहिए आपको तो देखो यार बिग चेल भी है, एंड बिग चेल नहीं तो अल्टीमेट बिग चेल भी सही। तो यार देखो बिग चेल या फिर अल्टीमेट बिग चेल इनके पास ऐसी एबिलिटी है, ये अपने मुँह से कोल्ड ब्रेथ को अपने ओपोनेंट पर छोड़ सकते हैं जिसकी मदद से ये फ्लाइंग जेट को जकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। एंड बेशक ये चीज थोड़ी देर के लिए होगी, बट यार देखो बिग चेल इतनी देर में फ्लाइंग जेट का काम तमाम कर देगा, उससे हरा देगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी बीट नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ बिग चेल के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके चलते उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक उसे मर्ज ना हो। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये भी नहीं हरा पाएंगे, तो देखो जेटरे भी है, जेटरे फ्लाइंग जेट जितना ही पावरफुल ड्यूरेबल एंड फास्ट है, एंड वो फ्लाई भी कर सकता है। एंड साथ ही में जो जेटरे है वो अपनी आंखों से एंड अपनी पूंछ से लेजर ब्लास्ट भी कर सकता है, एंड उसके सामने जो फ्लाइंग जेट है वो कुछ भी नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे एलियंस को ले लिया तूने बेंटन के मतलब एक फ्लाइंग जेट के वसल में, तो भाई नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि भाई अगर इस एलियन से नहीं हरा पाया तो और भी हरा देगा। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने जिस भी एलियन को कंसिडर किया उसमें दम है फ्लाइंग जेट को हराने का, बट फिर भी आपका डाउट हो सकता है तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अल्टरनेट में वो इन एलियंस को यूज़ कर सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हीट ब्लास्ट फ्लाइंग जेट को नहीं मार पाएगा, ऐसा नहीं है, हीट ब्लास्ट भी मार पाएगा, बट कुछ बंदे होते हैं ना जिनको डाउट होता है, तो उनके लिए है ये सभी जो मैं अनदर एलियन यहाँ पर ले रहा हूँ। बाकी तो यार एक एलियन भी काफ़ी होगा फ्लाइंग जेट के लिए, क्यों आप मेरी इस बात से सहमत हो क्या बताना कमेंट बॉक्स में। एंड भावेश जोशी को तो आराम से बेंटन इसे नॉकआउट कर देगा, तो इस बार भी बाजी मार जाता है बेंटन। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बैटल की यानी कि बैटल नंबर 4 की, तो वो होने जा रही है सुपर सिंह के साथ में बेंटन की। अब देखो अगर बेंटन के सामने सुपर सिंह आ जाता है तो देखो सुपर सिंह इतना ज़्यादा पावरफुल इंडियन सुपर हीरो है कि भाई वो सुपरमैन के लेवल का है, मतलब सुपरमैन के आसपास आता है थोड़ा बहुत, सुपरमैन जितनी एबिलिटीज उसमें नहीं है बट यार आसपास आता है, उसकी स्ट्रेंथ का लेवल आसपास आता है सुपरमैन के। बट यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो सुपर सिंह है उसको उसकी पावर्स तभी मिलती है जब वो अपनी पग पहनता है यानी कि अपनी पगड़ी को पहनता है, उसे धारण करता है, उसे अपने सर पर पहनता है, जो भी कह लो, मतलब ये समझ लो कि जो सुपर सिंह की पावर्स का सोर्स है वो है उसकी पग। अब यहाँ पर ह्यूमंगस और एंड अल्टीमेट ह्यूमंगस और जैसे एलियंस आसानी से सुपर सिंह को स्ट्रेंथ में मात दे जाएंगे, बट यहाँ पर वो स्पीड में थोड़े पीछे रह जाएंगे। जो ह्यूमंगस और बेंटन का एक एलियन है या फिर अल्टीमेट ह्यूमंगस और, वो स्पीड के मामले में उतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट इन फाइट किसी भी तरह से वो सुपर सिंह के सर से उसकी पग को अलग कर देंगे। बट फिर भी अगर आपको डाउट है कि ऐसा नहीं होगा, तो देखो भाई दूसरा एलियन जो है वो है गोस्ट फ्रीक, एंड गोस्ट फ्रीक किसी के शरीर में भी प्रवेश करके उससे जो चाहे वो करवा सकता है, ऐसी बात है, तो मे भी ऐसा कर सकता है बेंटन की गोस्ट पिक बन के थोड़ी देर के लिए फ्लाइंग जेट के शरीर में जाए, उसकी जो पग है पावरफुल पग जो उसकी पावर का सोर्स है उसे थोड़ी देर के लिए उसके सुपर सिंह से अलग कर दे, जिसकी मदद से जो सुपर सिंह है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाए, एंड फिर बेंटनसन अपने किसी भी एलियन से आराम से सुपर सिंह को नॉकआउट कर देगा। तो यहाँ पर भी भाई जो बेंटन है वो बाजी मार जाएगा। अब बात करते हैं आज की फाइनल बैटल की जो कि होने जा रही है भाई शक्तिमान के साथ में। तो यार देखो अब शक्तिमान इंडिया का एक ऐसा सुपर हीरो है कि जो ऑलमोस्ट
नियरली अनबीटेबल है, उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है भाई। बट यार देखो, जो बेंटन है वो अपने पावरफुल इंजन का यूज कर सकता है, जैसे कि एटॉमिक एक्स एंड एलियन एक्स। अब यार देखो, एटॉमिक एक्स कुछ हद तक शक्तिमान पर भारी पड़ेगा, बट यार जब शक्तिमान अपनी ट्रू फॉर्म को पोजेस करेगा फाइट में, तब यार एटॉमिक एक्स भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूँ एलियन एक्स की, तो यार देखो यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि जो एलियन एक्स है उसको अगर बेंटन को यूज करना है, तो यार पहले उसके लिए उसे एलियन एक्स का एक्सेस लेना पड़ता है, एंड उस एक्सेस को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है भाई बेंटेनसन के लिए। बट चलो हम मान लेते हैं कि अगर बेंटेन ने एलियन एक्स का एक्सेस ले भी लिया, तो यार देखो जो एलियन एक्स है उसकी फेट शक्तिमान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। जब बेंटेन ओमनिवर्स के एक एपिसोड में अनाई अलार्क ने पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था, बेंटेन ओमनिवर्स की बात करूँ मैं, वहाँ पर एक एपिसोड में ऐसा हुआ था, तो यार जो एलियन एक्स है, बेंटेन एलियन एक्स बन गया था, एंड उसने फिर से पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर लिया था। तो यार देखो इतना ज़्यादा पावरफुल है बेंटेनसन का एलियन एक्स। हालांकि ये बात सिर्फ टीवी शोज, खासकर कार्टून टीवी शोज में हो सकती है, बट यार देखो पावरफुल काफ़ी ज़्यादा है एलियन एक्स। बट वहीं अगर मैं बात करूँ शक्तिमान की, तो यार शक्तिमान की सीरियल में अभी तक हमें कोई शक्तिमान की ऐसी फीड ही देखने को नहीं मिली है जो उससे मैच कर जाए। तो भाई मैं कैसे, मतलब यार कैसे जिता दूँ यहाँ पर शक्तिमान को, क्योंकि जो शक्तिमान है देखो यार उसकी पावर्स का हमें उतना भी ज़्यादा बड़े लेवल का कोई फीड नहीं दिखाया गया है टीवी शोज में, एंड अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। उसकी पावर्स के फीड्स के बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये कर सकता है, बट यार अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं इस बैटल को ड्रॉ करना चाहूँगा। जी हाँ, ड्रॉ। अगर मुझसे पूछो मेरी ओपिनियन में, तो भाई जो विनर है वो एलियन एक्स होगा बेंटेनसन का, क्योंकि यार देखो बेंटेन का एलियन एक्स एक ऐसा विलन है, यानी कि जो बेंटेन के ओमेट्रिक्स में एलियन एक्स एलियन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन है। बट यार फिर भी यहाँ पर जो एलियन एक्स है उसके थोड़े ज़्यादा चांसेस है शक्तिमान से जीतने के। बट भाई देखो, मुझे कमेंट बॉक्स में गालियाँ नहीं सुननी तुम सभी से, तो इसलिए मैं इस बैटल को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, बेंटेनसन वर्सेस शक्तिमान, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है इसके ऊपर एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं अपन अपने स्कोरबोर्ड की तरफ। वैसे स्कोरबोर्ड की तरफ बढ़े ही क्यों भाई, रिजल्ट तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो बेंटेन है उसने ऑलमोस्ट सभी के सभी इंडियन सुपरहीरोज को बीट कर दिया है अपने एलियंस की हेल्प से। तो यार जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बेंटेनसन है वो जीत जाता है। अब रुको रुको जरा एक मिनट, तुम ये सोचते होंगे कि भाई देखो बेंटेनसन जीत तो गया, बट यार अगर बीच में बेंटेनसन की ओमेट्रिक्स की बैटरी लो हो गई तब क्या होगा भाई, मतलब ये बात भी सोचने वाली है, क्योंकि यार बेंटेन की भी कुछ ऐसे वीकनेस है, जैसे कि अगर हम ओमनिवर्स वाले बेंटेन की बात करें, तो भाई उसकी ओमेट्रिक्स कुछ ऐसी है कि भाई जो एलियन वो बनना चाहेगा वो एलियन उसकी ओमेट्रिक्स उसे मैक्सिमम टाइम बनाएगी नहीं। बट यार देखो ऐसा नहीं है, हम इस बैटल में सभी वर्जन को एक साथ मिश्रित करके यहाँ पर उनका कंपेरिजन करवा रहे हैं। तो यार देखो ऐसा हो सकता है कि भाई बीच बैटल में कभी बेंटेन की ओमेट्रिक्स की बैटरी ख़त्म हो जाए एंड फिर से वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाए, तो ऐसे में वो हार सकता है। बट यार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एलियंस के साथ इनकी बैटल की, एंड इस बैटल में तो जाहिर सी बात है कि ओमेट्रिक्स की बैटरी लो नहीं होगी, हम उनके पावर्स लेवल पर ही उनको एक दूसरे के साथ बिठा रहे हैं। तो यार जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेंटेन सर हर मायने में जीतेगा, आप कुछ भी कह लो। सो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, वैसे ये सब मेरा ओपिनियन था, आपके ओपिनियन कुछ अलग हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। जाहिर सी बात है सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। बट अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत है, अगर आपको वीडियो देखकर इंटरेस्टिंग लगी हो, ये मज़ा आया हो, एंटरटेनमेंट मिली हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो आप सभी को, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नया अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, एंड कमेंट का तो मैंने बोल दिया कर दो, एंड बाकी तो बस यार अगर किस टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ पर कर देना कमेंट। सो तब तक गुड बाय टेकन, बाय बाय, हमें दीवानी सुपर हीरोज़ के, फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी, गुड बाय टेकन, बाय बाय।